हो गया ना। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आया। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद इसके प्रॉब्लम पर चलेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए समझा जाता है ताकि इसके बारे में जो भी दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए हमें पता नहीं है कि लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब हमें जानकारी, छोटी छोटी जानकारी नहीं रहता है, इसी को जानकारी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता लगाया जाता है। जैसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहा जाता है, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर या जिस दर पे वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस दर पे, ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीदा गया, खरीदने वाले को क्रय मूल्य बोला जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को, किसी वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, जाता है, उससे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पे, ठीक है, कोई सा भी हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने मार्कर खरीदा, मार्कर खरीदा, इसको क्या बोलेंगे, खरीदने वाले को क्रय मूल्य बोला जाता है। जो भी वस्तु खरीदा जाए उसको क्या बोला जाएगा, क्रय मूल्य। और आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, देखिए सेकंड, विक्रय मूल्य इसको बोला जाता है, ठीक है, क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और आता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को, किसी वस्तु को बेचा जाता है, बेचा जाता है, उससे विक्रय मूल्य कहते हैं। कह रहे कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, ठीक है, जैसे मैंने एक मार्कर खरीदा और इसको खरीद कर दूसरे को बेच दिया, बेचने वाले को विक्रय मूल्य और खरीदने वाले को क्रय मूल्य, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश इसमें को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस और इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस को एसपीएम बोल शॉर्ट में बोलते हैं और इसको बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। फिर से एक बार, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस दर पे, जिस दर से या जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेच दिया जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अब समझ में आ गया, अब आते हैं लाभ या हानि क्या होता है, ठीक है, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, यानी कि लाभ जो फायदा होता है, जैसे मैंने एक मार्कर खरीदा 10 रुपया में और उसको बेच दिया 15 रुपया में, जो भी यहाँ 5 रुपया का फायदा हुआ उसी को लाभ बोला जाएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले लाभ, लाभ क्या होता है, ठीक है, किसी वस्तु को खरीदना, खरीद कर उसको बेच देना और बेचने पर जितना भी मुनाफा होता है उसको लाभ बोला जाता है। और लाभ का सूत्र क्या होता है, ठीक है, लाभ का सूत्र, इससे पहले लाभ का सूत्र पहले देख लेते हैं। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर सूत्र का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आते हैं हानि, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
ठीक है। इसके बाद लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत का सूत्र देखते हैं, ये हो गया पहला, दूसरा, अब आते हैं तीसरा। तीसरा में चलते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, इससे पहले लाभ प्रतिशत पर चलिए इसी से कुछ सूत्र बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लाभ है, ठीक है, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य दिया गया है, तो सबसे पहले इसी को हम सूत्र और बना लेते हैं ताकि सुविधा हो। क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। करना क्या है, यहाँ पे लाभ दिया है, लाभ दिया, इधर से हम क्रय मूल्य को अगर ले चल जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्रय मूल्य, प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यानी कि यहाँ पे सूत्र बन गया विक्रय मूल्य माइनस बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए इसको हम साइड चेंज किए क्रय मूल्य को, अब विक्रय मूल्य को साइड चेंज करेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य को साइड चेंज करेंगे, ये इधर है यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया विक्रय मूल्य बराबर, कोई पूछे तो क्या बोलना है, ये हो गया दूसरा, विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। एक सूत्र तैयार होगा, फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको साइड चेंज किया, अब विक्रय मूल्य यदि ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तो निकल गया, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, इधर से हम इसको इधर लेकर चलाएंगे, यहां से देखिए ये विक्रय मूल्य तो है, क्रय मूल्य को हम इधर से इधर लेकर चल जाते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर प्लस, यहां पे माइनस है प्लस हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और इधर से प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए आप बराबर आता है, कभी भी बराबर है, इधर प्लस नहीं चिन्ह दर्शाया नहीं जाता है, प्लस का चिन्ह दर्शाया नहीं जाता है, यहाँ पे प्लस में है और इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा लाभ, माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब आते हैं दूसरा, क्या था, हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये तो हो गया हानि बराबर, क्या हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी तरह से इसको भी हम कर निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे कैसे, देखिए यहां पे यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इसको तो यहां पर आने देंगे और इधर से ये चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, हानि है, ठीक है, यहाँ पे हानि है, हानि है यहाँ पे माइनस में, माइनस में इधर जाएगा क्या आ जाएगा प्लस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया हानि प्लस विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, इसको यहां से लेकर चल गए, अब यह यहाँ पे आया है, अब इसको क्या करेंगे, यहां से इसको हम उठा कर लेकर आएंगे और इधर इसको उठा कर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, सबसे पहले लाभ प्रतिशत पे, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसके बाद यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो एक और सूत्र बनता है, इस कौन सा सूत्र है, कैसे है उसको देखते हैं।
जैसे हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, ठीक है, इसमें लाभ या हानि दिया रहेगा, लाभ या हानि दिया रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी सूत्र है। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न ले लेते हैं, पहले थोड़ा इजी जी, उसके बाद फॉर्ट पे चलेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, राम किसी गाय को, राम किसी गाय को 5,000 रुपया में खरीद कर, राम किसी गाय को 5,000 रुपया में खरीद कर 6,000 रुपया में बेच दिया, करे राम किसी गाय को 5,000 रुपया में खरीद कर 6,000 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे, ठीक है। एक बन गया प्रश्न। सबसे पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे कैसे है, कहां पे क्या आ रहा है। करे राम किसी गाय को 5 रुपये में खरीद कर, ठीक है, 5 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये में खरीदा और कितना बेच दिया 600 रुपया, जो कह रहा है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य, खरीदने वाले को हम जानते हैं क्रय मूल्य बोला जाता है, क्रय मूल्य कितना आ गया 5,000 रुपया और विक्रय मूल्य कितना आ गया 6,000 रुपया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है, लाभ का सूत्र अभी हमने बताया, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है 6,000 और क्रय मूल्य कितना है 5,000, तो 6,000 माइनस क्या करेंगे 5,000, इसको घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा 1,000 रुपया जो आएगा क्या आएगा लाभ आएगा, 1,000 रुपया लाभ ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए अब सूत्र चलते हैं, देखते हैं कैसे सूत्र है, उसका फॉर्मूला कौन सा है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। लाभ कितना दिया है, लाभ अभी आया 1,000 रुपया, 1,000 रुपया लाभ है गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा है 5,000 रुपये में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,000 रुपया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और ये पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से काटो 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 00, यानी कि कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20% जो भी इसका आया लाभ आया, लाभ बराबर कितना आ गया 20%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, यहां देखिए, यहां पे मैं कर देता हूं 4,000 और यहां पे कितना 3,000 रुपया। अब क्या करना है, कह रहा है कि राम किसी गाय को 4,000 रुपये में खरीद कर 3,000 रुपये में बेच दिया, 3,000 रुपये में बेच दिया, यहां पे क्या आ जाएगा 3,000 रुपये में बेच दिया, हानि, ठीक है, हानि प्रतिशत ज्ञात करे। करे राम किसी गाय को 4,000 रुपये में खरीद कर 3,000 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हानि निकालेंगे, हानि बराबर हम जानते हैं, ठीक है, करे किसी गाय को कितना में खरीदा 4,000 रुपये में खरीदा, खरीदने वाले क्या बोला जाता है क्रय मूल्य और बेचने वाले को विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य
माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। करना क्या है, क्रय मूल्य कितना है 4000 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 3000 रुपया। इसको घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा हमारा 1000 रुपया, जो भी आएगा हानि आया, हानि कितना गया 1000 रुपया हानि आ गया। अब क्या करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर वही सूत्र जो लिखवाया गया वो लगाएंगे, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, हानि गुने, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि कितना आया 1000 रुपया, हानि कितना आया 1000 रुपया, गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 4000। यहां से कैंसिल हो गया, बच गया कितना 4, 4 कितना बराबर 25 चौका 100, यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा 25 प्रतिशत जो भी इसका आया हानि आया, 25 प्रतिशत हानि आया। अब चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ प्रश्न दिया है 450 रुपये की वस्तु को 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए बेचा जाए कि 10% लाभ हो, कह रहा है 450 रुपये के वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको पढ़ते ध्यान से प्रश्नों को देखिए सावधानी पूर्वक पढ़िए, उसके बाद एक बार मैंने समझा, दो बार पढ़िए, दो बार मैंने समझा, तीन बार आराम से प्रश्न को पढ़िएगा समझ में जाएगा। अगर 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए, ठीक है, पूछ रहा है कितने में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया कि 10% का लाभ हो, क्या हो जाए लाभ हो। सबसे पहले हम साधारण नियम पे चलेंगे, तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने, यहां पे देखिए 1 प्लस लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस, 1 प्लस लाभ बटा 100, ये इसका सूत्र हो गया। कैसे करना है, सबसे पहले 450 रुपया इसका दिया है क्रय मूल्य, 450 रुपया मैंने क्रय मूल्य कर दिया, फिर कह रहा है 1 प्लस लाभ कितना है 10%, 10% बट्टा 100 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कितना बार में चल जाएगा 10 बार में कट गया इसका, क्या करेंगे फिर देखिए वही बात आ गया, क्या करना है 450 मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं, मैंने मान लिया हर छुपा हुआ है, हर एक मान लिया और इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटा 10। इसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 में 1 से गुना कर भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 415 गुने कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ये हो गया। अब क्या करना है, इसी को हल करना है, सॉल्व कैलकुलेशन कर देना है,
कैलकुलेशन जितने फास्ट करिएगा उतने अच्छा है। 450 गुने 11/10, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे बच गया कितना, 45 मल्टीप्लाई 11, यही ना, इसमें इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 45 और 45 594, यानी कि 495 इसका आ गया आंसर आ गया।